हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं अनु छाबड़ा। आज की रेसिपी है मेरी पर्सनल फेवरेट सांभर इडली। मुझे सांभर इडली बहुत ही पसंद है। हम सभी अपने घर में सांभर बनाते हैं। मैं आज आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करने वाली हूं। मैं सांभर मसाला भी घर पर ही बनाऊंगी, जिससे बहुत ही टेस्टी और फ्रेश फ्लेवर आता है। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी, और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले मैं एक कप अरहर की दाल ले रही हूँ। इसे मैं दो तीन बार अच्छे से वॉश करके आधा घंटा सोक करने के लिए रख दूंगी, और उसके बाद 8 कप पानी डालकर नमक और हल्दी डालकर इसे प्रेशर कुकर में 5 सीटी आने तक कुक कर लूंगी। तब तक हम सांभर मसाला बना लेते हैं। ये मैंने 2 टेबलस्पून अरहर की दाल ली है, 1 टेबलस्पून चने की दाल है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा लिया है, 2 साबुत लाल मिर्ची है, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1/2 टीस्पून हींग है। इन सभी मसालों को मैं लो मीडियम फ्लेम पर कुक कर लूँगी, जब तक इनमें अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाए। उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर इसमें 15 से 20 कड़ी पत्ते डालकर इन्हें भी अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। ध्यान रखें, इस वक्त आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दें, नहीं तो कड़ी पत्ते जल भी जाते हैं। इसे ठंडा करके मैं मिक्सर में इसका पाउडर बना लूँगी और हमारा सांभर मसाला रेडी है। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगी कि आप इन्हें ताज़ा ही बनाएं। ताज़ा बनाने से इस मसाले से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है सांभर में। ये देखिए, मैंने ये बना लिया है। अब मैं पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ले रही हूँ। 1 बड़ा अनियन मैंने स्लाइस करके इसमें ऐड किया है, और मैं इसे अब 1-2 मिनट तक ट्रांसलूसेंट होने तक भून लूँगी। प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा भूनना है। अब मैं इसमें बाकी की वेजिटेबल्स भी ऐड कर दूँगी। ये मैंने पम्पकिन ऐड किया है, 1 ड्रमस्टिक है, ये सिंगल ड्रमस्टिक थी, इसे मैंने हल्का हल्का पील कर लिया है, और 2 छोटे बैंगन हैं, इसे मैंने 4 पीसेस में कट करके इसमें ऐड किया है। आप चाहें तो जो मर्जी वेजिटेबल इसमें अपनी पसंद की ऐड कर सकते हैं, बट मुझे पर्टिकुलर इन वेजिटेबल्स का कॉम्बिनेशन सांभर में बहुत ही टेस्टी लगता है। ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल सांभर बनता है। अब मैं इसमें 3/4 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप इस वक्त थोड़ा कम ही ऐड करें, क्योंकि हमने दाल बॉईल करते समय उसमें भी नमक ऐड किया है। ये 2 रफली चॉप टमाटर मैंने ऐड किए हैं, ये मीडियम साइज़ के टमाटोज़ हैं। इन सब्जियों को हमें थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकाना है, इन्हें हमें बहुत मशी नहीं करना है। कवर करके पकाऊंगी मैं इसे, ताकि ये जल्दी से कुक हो जाएं, और 5 मिनट के बाद ये काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए आप, ये अंदर तक काफ़ी कुक हो गए हैं। अब जो हमने सांभर मसाला बनाया था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये मैं 4 बड़े चम्मच मसाला ऐड कर रही हूँ। इस मसाले को ऐड करने के बाद ये सब्जियों के साथ अच्छे से कोट हो जाएगा, पर ये पैन में भी बहुत चिपकता है। इस वक्त आप फ्लेम को लो कर दें। इस वक्त हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि हमने मसाले पहले ही रोस्ट कर लिए थे, तो बस मैं इसे 2 मिनट ही पकाऊंगी।
और अब मैं इसमें ये कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, इससे सांभर का कलर बहुत अच्छा आता है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो नॉर्मल रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। बस इसे एक क्विक मिक्स दूंगी और ये हमारी सब्जियां रेडी हैं। तब तक हमारी दाल भी कुक हो गई है। अब मैं इन सारी सब्जियों को दाल के साथ ऐड कर दूंगी। दाल बॉईल करते समय आप इसमें पानी 8 कप डालें, क्योंकि इस मसाले की कंसिस्टेंसी से ये सांभर काफ़ी थिक बन जाता है। अब मैं इसे हिलाते हुए एक अच्छा सा बॉईल आने तक पकाऊंगी, ताकि सारे फ्लेवर्स दाल और सब्जियों के एक साथ मिक्स हो जाएं। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। आप चाहें तो इस वक्त यहाँ पर इसे और भी पतला करना चाहें तो पानी ऐड कर सकते हैं। इसमें एक अच्छे से बॉयल आ जाए उसके बाद मैं इसमें इमली का पेस्ट ऐड करूँगी। ये आपके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं, जितना खट्टा आप सांभर खाना चाहें। मैंने ये 2 टेबलस्पून के ऑलमोस्ट ऐड किया है। अब इसे मैं 2-4 मिनट और पकाऊंगी, तब तक हम इसका तड़का ऐड कर लेते हैं। तड़के के लिए मैंने घी में सरसों और लाल मिर्च और कड़ी पत्ते ऐड किए थे और उसका तड़का मैं इसमें दे रही हूँ। और अब इस सांभर की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, इसके फ्लेवर्स सारे मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, ये ऑलमोस्ट रेडी टू सर्व है। ये देखिए इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है। अब मैं इसे हरे धनिए से गार्निश करूंगी और इसे सर्व करूंगी। मैंने तो इन्जॉय किया इस सांभर को घर की बनी सॉफ्ट सूजी की इडली के साथ। आप चाहें तो इसे वड़ा के साथ, डोसा के साथ इन्जॉय कीजिए। हमारे घर में तो बच्चों का, बड़ों का, सबका ये फेवरेट डिनर है। आई होप आप सबको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो चलिए बाइट करके मुझे बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को दीजिए एक बड़ा सा थम्स अप। और अब मैं चलती हूँ, आपसे मिलती हूँ अपनी अगली रेसिपी में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।